श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कुछ दिन पहले राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया, तो वहीं बुधवार को प्रदर्शनकारी उग्र होते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंच गए। ऐसे हालात में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे। ये तारीख भी अब बीत चुकी है। श्रीलंका की प्रदर्शनकारी जनता चाहती है कि वहां एक नई सरकार बने जो नए सिरे से कामकाज संभाले। श्रीलंका में रोजमर्रा के सामान की कीमतें बढ़ रही हैं। महंगाई दर 50% के पार पहुंच चुकी है। लोगों को बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। दवाइयों की कमी के कारण पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। देश में बस, ट्रेन और मेडिकल जरूरतों से जुड़े वाहनों के लिए ईंधन नहीं बचा है। अधिकारियों का कहना है कि आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अब नहीं बची है। ईंधन की कमी से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। माना जा रहा है कि 70 के दशक के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं और लोगों को घरों से काम करने की सलाह दी गई है ताकि सप्लाई को बचाया जा सके। श्रीलंका की विदेशी मुद्रा लगभग खत्म हो चुकी है, यानी कि दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए अब उसके पास पैसे ही नहीं बचे हैं। मई महीने में विदेशी कर्ज के बदले तय रकम चुकाने में श्रीलंका नाकाम रहा। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। सरकार इसके लिए कोविड महामारी को दोष दे रही है, क्योंकि इसका असर टूरिज्म पर पड़ा और टूरिज्म से श्रीलंका की कमाई का एक अहम हिस्सा आता रहा है। सरकार का ये भी कहना है कि साल 2019 में चर्च पर हुए कई जानलेवा हमलों के कारण भी सैलानियों में डर बैठ गया, लेकिन कई जानकार गलत आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। 2009 के गृह युद्ध के बाद श्रीलंका का जोर घरेलू बाजार में सामानों की आपूर्ति पर रहा। उन्होंने विदेशी बाजार में पहुंचने की कोशिश नहीं की, इसलिए दूसरे देशों से आमदनी तो कम हुई ही, आयात का बिल भी बढ़ता गया। 2019 के आखिर तक श्रीलंका के पास 7.6 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था। मार्च 2020 तक ये गिरकर 1.93 बिलियन डॉलर हो गया और हाल ही में सरकार ने बताया है कि अब सिर्फ 50 मिलियन डॉलर ही बचे हैं। लोगों का ज्यादातर गुस्सा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके भाई महिंदा के प्रति है। राष्ट्रपति राजपक्षे को 2019 में टैक्स कटौती से जुड़े निर्णय के लिए भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जब 2021 की शुरुआत में श्रीलंका की विदेशी मुद्रा की कमी एक गंभीर समस्या बन गई, तो सरकार ने रासायनिक उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। किसानों को लोकल जैविक उर्वरकों का उपयोग करने के लिए कहा गया। इसके व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल से फसल बर्बाद हो गई। श्रीलंका को विदेशों से अपने खाद्य भंडार की आपूर्ति करनी पड़ी और विदेशी मुद्रा में और कमी होने लगी। श्रीलंका में जिस तरह की अराजकता का माहौल बना हुआ है, ऐसे में सवाल उठता है कि अब देश का नेतृत्व कौन कर रहा है और व्यवस्था बहाल करने के लिए वहां क्या किया जा सकता है। श्रीलंका की संसद के स्पीकर ने बीबीसी को बताया कि राष्ट्रपति के आधिकारिक रूप से पद छोड़ने के एक हफ्ते के भीतर एक नई क्रॉस पार्टी गठबंधन सरकार बनानी पड़ेगी। सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से 3 बिलियन डॉलर की राहत राशि के लिए बातचीत कर रही है। श्रीलंका की सरकार पर विदेशी कर्ज बढ़कर 51 बिलियन डॉलर हो गया है। इसमें से 6.5 बिलियन डॉलर चीन का है और दोनों देश इसे लेकर फिर से विचार कर रहे हैं। इस साल श्रीलंका को अपने कर्ज के लिए 7 बिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा। विश्व बैंक श्रीलंका को 600 मिलियन डॉलर का उधार देने के लिए सहमत हुआ है। भारत ने 1.9 बिलियन डॉलर का वादा किया है और वो आयात के लिए अतिरिक्त 1.5 बिलियन डॉलर उधार दे सकता है। प्रमुख औद्योगिक देशों के समूह G7, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं, उन्होंने कहा है कि वे ऋण से राहत में श्रीलंका की मदद करेंगे।